कोतवाली देहात पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट एवं गौकशी के मामले में दो अभियुक्तों को कोतवाली देहात क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने गौकशी के मामले में अभियुक्त राशिद, एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त सोनू उर्फ अश्वनी को कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक सुबोध कुमार, विजयपाल सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने किया कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण, पत्रावलियों का रखे बेहतर रखरखाव दिए निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायिक अभिलेखागार, राजस्व अभिलेखागार, संयुक्त कार्यालय कक्ष, राजस्व सहायक द्वितीय, आलंग अभिलेखागार, चकबंदी अधिकारी न्यायालय, नजारत, विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय, डीएलआरसी कार्यालय, जिला राइफल एसोसिएशन, सदर मालखाना पुलिस, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला आपदा कक्ष, एनआईसी कक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष को देखा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि कार्यालयों में उचित साफ सफाई के साथ ही पत्रावलियों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालयों में आवश्यक सुविधाओं, विद्युत उपकरणों को चेक कर लिया जाए एवं सौंदर्यकृत भी किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सरसावा पहुंचे पूर्व कैराना सांसद ने राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान की कड़ी निंदा दी जानकारी। आपको बता दें, लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। वहीं भाजपा के एक कार्यक्रम में सरसावा पहुंचे कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने राहुल गांधी के विपक्ष में दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान घटिया सोच को प्रदर्शित करने वाला बयान है। राहुल गांधी को अपने आप में खुद में झांक कर देखना चाहिए। वह अनावश्यक प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देश में झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी लगातार जो है पहले से ही भ्रामक है, वो पहले भी चुनाव के दौरान अन्य आरोप लगा रहे थे, इस बार उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही घटिया प्रकार की सोच को प्रदर्शित करने वाले विचार हैं। राहुल गांधी जी खुद अपने आप में झांक करके देखें, क्योंकि वो अनावश्यक प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं और देश के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं और संसद को चलने नहीं देते हैं, व्यवधान डालने का काम करते हैं बिना किसी लॉजिकल पॉइंट के। पिछले दिनों संसद के दौरान किस प्रकार से उन्होंने अपनी बयानबाजी करने का काम किया है, हिंदुओं को हिंसक और हिंदुओं को तरह तरह के बातों से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का काम किया है, जिसकी हम जितनी भी अधिक से अधिक निंदा कर सकें वो हम सब लोगों के लिए कम होगी। ऐसे विचारों के साथ देश के लोगों को ऐसे विचार देने का काम किया जा रहा है जिससे कहीं कोई मतलब नहीं बनता। ग्राम दतौली मुगल में पशु चोरों ने भैंस करी चोरी, घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद। आपको बता दें, थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम दतौली मुगल में पशु चोरों ने घर में बंधी हुई भैंस को चुरा लिया। जैसे ही भैंस चोरी करते हुए भैंस के मालिक ने देखा तो वह चोरों के पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि भैंस के मालिक ने दो चोरों से अपनी भैंस को छीन लिया, लेकिन दोनों चोर भैंस मालिक को चकमा देकर फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनपद में 5 सितंबर 2024 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू, जिला मजिस्ट्रेट। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि निकट भविष्य में संपन्न होने वाले त्यौहार मुहर्रम, कावड़ यात्रा, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मेला गुघाल आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, चयन व प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाएं घटित की जाने की साजिश की जा सकती है। कुछ तत्व लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु, प्रजातांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का यह आदेश 5 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा।
नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की लोको मेन ब्रांच एवं जंक्शन ब्रांच द्वारा एनपीएस के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की खान आलमपुरा स्थित लोको मेन ब्रांच एवं रेलवे स्टेशन पर जंक्शन ब्रांच द्वारा एनपीएस के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनका कहना था कि एनपीएस को रोका जाए एवं ओपीएस को लागू किया जाए, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों का कहना था कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह विशाल प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। महापौर ने नगर विधायक के साथ किया ढमोला सफाई कार्य का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। आपको बता दें, शहर को जलभराव से बचाने के लिए नगर निगम द्वारा कराई जा रही ढमोला नदी की सफाई का महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को अधिक से अधिक मशीनें लगाकर बारिश से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर व अनेक पार्षद भी मौजूद रहे। उधर नगर आयुक्त ने निगम अधिकारियों को पूरे संसाधनों और प्राथमिकता के साथ ढमोले की सफाई में जुटने तथा 2 पोकलेन बाहर से किराए पर लेकर सफाई कार्य में लगाने के भी निर्देश दिए। शहर को जलभराव से बचाने के प्रयासों के तहत पिछले कुछ दिनों से पांव धोई व ढमोला नदी की सफाई का कार्य किया जा रहा है। किशनपुरा में सड़क में धसी बजरी से भरी हुई ट्रॉली बड़ा हादसा होने से बचा स्थानीय लोगों में आक्रोश। आपको बता दें, किशनपुरा में बजरी से भरी ट्रॉली सड़क में धस गई, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। स्थानीय निवासी सौरभ का कहना था कि जब इसकी शिकायत सड़क बनाने वाले ठेकेदार से की गई तो उल्टा उसने लोगों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना था कि नगर निगम अधिकारियों से मिलकर ठेकेदार पर कार्रवाई करवाई जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रायवाला मार्केट में रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन द्वारा रायवाला के शिफ्ट होने की खबर का किया गया खंडन, दी जानकारी। आपको बता दें, रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन द्वारा रायवाला मार्केट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर पदाधिकारियों ने कहा कि रायवाला के शिफ्ट होने की खबर झूठी और निराधार है। आप जानते ही हैं, शहर में समय समय पर विभिन्न कॉलोनियां कटती रहती हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने पैसा कमाने के उद्देश्य से किसी कॉलोनी का नाम रायवाला से जोड़ने का प्रयास किया है। रायवाला मार्केट अपने आप में सक्षम है, यहां पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? मैं संजय अरोड़ा, चेयरमैन रायवाला कपड़ा मार्केट। आज का कार्यक्रम, ये जो आज अफवाह फैलाई जा रही है कि रायवाला कहीं शिफ्ट हो रहा है, इस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसके माध्यम से मैं आपको या पूरे समाज को, पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि रायवाला कपड़ा मार्केट कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये चंद जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों ने कॉलोनी काटी और पैसा कमाने के उद्देश्य से उस कॉलोनी का नाम रायवाला से जोड़ने का काम किया। और रायवाला के अध्यक्ष अजय कालडा जी भी हमारे साथ खड़े हैं और मुख्य संरक्षक लाल किशन जी गांधी जी, उनके सुपुत्र रमन गांधी जी भी हमारे साथ हैं। अभी आप पूरा का पूरा रायवाला एकजुट था, इकट्ठा था, सब में भारी रोष था कि ये जो इस प्रकार के पैसे कमाने के उद्देश्य से जो लोग रायवाले को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उनको इस माध्यम से कहते हैं, इससे बाज आएँ और रायवाले का नाम किसी भी स्थान से ना जोड़ें, क्योंकि रायवाला जहां था वहीं रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कालडा है, मैं रायवाला अध्यक्ष हूँ। और जो ये पंजाबी मार्केट वालों ने ये नई योजना बनाई है कि इस रायवाले को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। देखो, आज रायवाले पंजाबी मार्केट की तंग गलियाँ हैं, उनमें उनका काम 80% टूरिंग का है। यहाँ पर 80-90% काम नगद का है। यहाँ पर 10,000 हमारे वर्करों का चूदा जलता है। ये हमारे पूर्व बड़ों ने, बुजुर्गों ने 70 साल से इसको सींचा है, आज इस सेक्टर इतना बड़ा खड़ा किया है। कृपया, मैं रायवाला के जो योजना बना रहे हैं हमारे, अब जो हमारे रायवाला के व्यापारी इसके साथ लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर, कि हम इन मंसूबों को कामयाब होने देंगे, हम उनको इस कामयाब नहीं होने देंगे। 31 या 80 दुकानें लगभग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 1.5-1.5 लाख रुपए की दुकान पड़ती है, 5 लाख रुपए में वो दुकान बेच रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी डीलर ने, 8-10 जनों ने मिलकर ये काम किया है, राय वालों को आग में झोंकने का काम किया है। यहाँ राय वाला का हर व्यापारी खुशहाल से जिंदगी जी रहा है, अच्छे व्यवसाय हैं, अच्छा काम है, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। कानपुर की मंडी के बाद सबसे बड़ी मंडी हमारे राय वाला मंडी में है। हर तरह का टैक्स जाता है, हर तरह की सुविधा है, 3-3 पार्किंग है, हर चीज
अच्छी अच्छा वातावरण है यहाँ पे। राय वाला का कोई व्यापारी दो चार व्यापारी है जो जिनकी पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे 10-10 दुकान है, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे लिया। वो पंजाबी मार्केट वाले वहाँ पे कपड़े की दुकान करें, लीची की दुकान करें, अंगूर की दुकान करें, हमें कुछ लेना देना वाला नहीं है। हमारा राय वाला खुशहाल जिंदगी जी रहा है, खुशहाल इस तरह आंख उठाकर भी ना देखें। नवाबगंज में सड़क और नाली निर्माण के कार्य का महापौर ने किया शुभारंभ, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा जनपद में अनेकों विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने नवाबगंज में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से सड़क एवं नाली के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उनका कहना था कि शहर का विकास कराना मेरी प्राथमिकता है, शहर में बिना किसी भेदभाव के नगर निगम के द्वारा एक समान कार्य कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। आज नगर निगम के द्वारा किला नवाबगंज में 8 लाख रुपए की लगभग लागत से रोड सड़क और नाली के निर्माण का कार्य हो रहा है। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नगर निगम सहारनपुर लगातार कार्य कर रहा है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगातार हम लोग जितने भी नगर निगम के क्षेत्र हैं उसमें सड़कों के निर्माण को लेकर, पानी की निकासी को लेकर, पार्कों को लेकर, अंत्येष्टि स्थलों को लेकर, पत्रकाश को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि आने वाले 3-4 वर्षों के दौरान नगर निगम सहारनपुर पूरे प्रदेश में अग्रणी बनकर उभरे। आज हमारे वार्ड 52 किला नवाबगंज में ये सड़क का उद्घाटन हो रहा है, अभी मेरे साहब ने हमें आपको बताया और यही रीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए सर्वधर्म संभाव की भावना से काम कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि इसी भावना के साथ लोग हमारे साथ जुड़ें, जैसे हम लोगों का सहयोग करें, जैसे हम लोगों के लिए काम करें, लोग भी हमें ऐसी सपोर्ट करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपने महापौर महोदय का कि मोदी जी योगी जी की नीतियों के साथ, उनकी नीतियों को आत्मसात करते हुए हम लोग चल रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। भारत माता की। मोहल्ला गुलाम ओलिया में चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम, लाखों की नकदी एवं जेवरात किए चोरी। आपको बता दें थाना गंगो क्षेत्र के मोहल्ला गुलाम ओलिया में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे जेवरात एवं नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वह और उसके परिवार के लोग ऊपर सो रहे थे, तभी नीचे से बार बार कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। जब जाकर नीचे देखा तो कुछ अज्ञात व्यक्ति वहां से भागने लगे। जैसे ही एक चोर को पकड़ना चाहा तो वह धक्का देकर फरार हो गया। थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है? मंगोर। क्या नाम लग रहा है? अभी चोरी होगी। अभी मैं ऊपर पड़ा था और मेरे बच्चे यहाँ बीच में थे और मैंने ऊपर खड़का सुना भी, और खड़का सुनने पर मैंने झांक कर देखा भाई कोई बिल्ली बल्ली ना हो, फिर मैं वहीं पर पहुंच गया जी, फिर मैंने खड़का सुना जी, फिर उसके बाद यहाँ ज्यादा ही खड़का सुना मैंने, फिर मैंने सोचा तू तले जाके देख। उसके बाद मैं जैसा तले आने लगा तो मैं ऊपर जा रहे थे जी, ऊपर तीसरे मंजिल का जहाँ में था, उनमें से एक तो भाग गया और दूसरा मुझे धक्का देने लगा, दे दिया तो मैंने धक्का जैसा दिया तो उसका कपड़े पकड़ लिए। उसको कपड़े पकड़ने के बाद उसने जो मेरी तरफ देखा मैंने उसका चेहरा पहचान लिया, वो जिंदा का लड़का है। उसके बाद फिर मैंने शोर शराबा करा, पड़ोसी वड़ोसी सब निकल जाएगी और 2:30 बजे का ट्रेन था, 2:30 बजे और भी फिर वो पड़ोस में पड़ोस के ही मकान की तरफ जो गया तो वहाँ को बिगड़ गया। फिर लोगों ने उन्हें इकट्ठा होकर मैं बताता रहा, उन्होंने उसकी तलाश करी तो वो फिर लटक के कूद के सड़क मार भाग गया। रायवाला में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, थाना मंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। आपको बता दें थाना मंडी क्षेत्र के रायवाला में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने थाना मंडी पुलिस टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना मंडी पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने की वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में वृहद पौधारोपण अभियान 2024-25 की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। मनीष बंसल ने बताया कि जनपद में 43,86,913 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि 17 जुलाई तक सभी संबंधित विभाग पौध उठान की कार्यवाही प्रत्येक दिशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण अभियान के तहत गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, साथ ही प्रत्येक रोपित पौध पर एक पेड़ माँ के नाम समर्पित किया जाए। जनमंच सभागार गांधी पार्क में जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी एवं किसान मेले का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, कृषि विभाग द्वारा संचालित त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम 2024, कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण, कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनमंच सभागार गांधी पार्क में जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले एवं खरीफ गोष्ठी का उद्घाटन विधायक नकुड मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारान देवेंद्र निम द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विधायक नकुड मुकेश चौधरी के द्वारा कृषकों को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार कृषकों के हित में लगातार कार्य कर रही है। किसानों को बीज की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों से अपील की गई कि किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर उन्हें कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग एवं मार्केटिंग द्वारा अच्छी आमदनी प्राप्त करें। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर बहुजन मुक्ति पार्टी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी गणों एवं कर्मचारी गणों की मांग थी कि नीट परीक्षा की धांधली में जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा फ्री एवं निष्पक्ष कराई जाए। इस तरह की धांधली करने वाले हर निजी संस्थान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैं डीपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। देखिए, जो नीट की परीक्षा हुई 5 जून को और पेपर एक ही दिन पहले लीक हो गया, और जो पेपर मैं समझता हूँ 10-10, 15-15, 20-20 लाख का पेपर पहले बिका, और उसके में जो बहुत बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी हुई है, और उसके पूरे देश में हमारा आज धरना प्रदर्शन 550 जिलों में जिला हेडक्वार्टर पर है चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि नीट की परीक्षा में, जो नीट की परीक्षा नहीं, जितनी भी परीक्षा हो रही है, चाहे कोई जितनी वैकेंसी निकलती है उसकी परीक्षा हो, तो पहले पेपर आउट हो जाता है, समझे। इस तरह से ये जो बेरोजगार है, जो युवा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये नौकरियां देना नहीं चाहते हैं, और एक पेपर लीक के आधार पर उसे वैकेंसी कैंसिल कर देते हैं, और फिर दोबारा से कराने में या तो कराते नहीं है, कराते तो बहुत बड़ा लंबा समय लग जाता है। यानी जो बेरोजगार है, जो बच्चे पढ़ लिख के, जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी करके, आईआईटी एनआईटी करके, आईएम करके बच्चे घरों में बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो भी वैकेंसी निकलती है उसका एग्जाम होता है, वो उसका पेपर लीक हो जाता है या कैंसिल हो जाती है। इस तरह से जब से इस देश में भाजपा की गवर्नमेंट आई है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में इस तरह से हल मिल हो रहा है कि इन युवाओं को नौकरियां दी जाए। तो आज युवा इतना परेशान है कि उनके घर में आत्महत्या तक बच्चे कर रहे हैं, उनके माँ बाप बड़े परेशान है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही नौकरियां लगने के कारण, कम से 30-35 साल की उम्र हो गई है। ये बहुत बुरे हालात इस देश में, आज युवा बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो इसलिए नीट की परीक्षा है, इसको दोबारा से, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसको दोबारा से कराया जाए, इसके लिए हम मांग करते हैं। घंटाघर स्थित होटल सभागार में परवेज खान द्वारा बेहट क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के विरोध में की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, घंटाघर स्थित होटल सभागार में परवेज खान द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। परवेज खान का कहना था कि बेहट क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है, इसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों को भी की है और वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। परवेज खान का कहना था कि जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। परवेज खान, क्या मामला है? ये क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, जो कि पीछे के रास्ते को, चिलकाना रोड को पटेड़ से निकलते हुए ये गाड़ियां जा रही है। अगर 2 बीघे का चक है, पट्टा है, तो उसमें 10 बीघे काटा जा रहा है। हम पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से मिले थे जनता दिवस में, हमने उन्हें अवगत कराया था, और 8 तारीख में
डीएम सर से मिले सहारनपुर में, उन्हें भी जांच के लिए अवगत कराया। और जो 14 तारीख में उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब आ रहे, उन्हें भी हमने अवगत करा दिया। और उन्हें लेटर भेजा है मुख्य सचिव साहब ने उत्तर प्रदेश लखनऊ से जांच के लिए डीएम सर को। उसका कारण यही है कि जो लोग 2 बीघे के पट्टे में से 10 बीघे के पट्टे में मांग निकाल रहे हैं, सरकार का नुकसान हो रहा है। हम सरकार का नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि हम सरकार के आदमी हैं। जो बाल्य अजी बाल्य रखे के बाद उन पर भी मेरे लेटर पे ही कार्रवाई हुई थी जी। उन्होंने अवगत कराया था और काफी टाइम लग गया था मुख्यमंत्री द्वारा। मेरा लेटर है, सब पढ़ रहे, सबको मालूम है मीडिया को। जी अधिकारियों को असल में 8 तारीख से आज 4-5 ही रोज हुए हैं, उधर तैयारी चल रही है चेयरमैन साहब की। जैसे चेयरमैन साहब आ जाएगा उसके बाद इनकी जांच होगी, क्योंकि जांच का विषय कोई ज्यादा वो तो है नहीं भाई। आपके 2 बीघे है, आप 10 बीघे क्यों काट रहे हैं? जांच में खुल आ जाएगा। आपका 5 बीघे का पट्टा, आप 10 बीघे क्यों काट रहे हैं? 15 बीघे क्यों काट रहे हैं? जांच की कोई होगी? जांच तो मैं खुद जाकर कर लूँ वहां पे कि 2 बीघे आ गए आपके नाम, 10 बीघे क्यों काट लिया आपने? नहीं, इनके नाम नहीं है जी, लेकिन ये है 21-22 लोग है और 7 जगह खनन हो रहा है, 7 जगह हो रहा है। एनसीसी निदेशालय लखनऊ के अधीनस्थ ग्रुप मुख्यालय मेरठ की 83 UP वाहिनी के कमान अधिकारी कर्नल नवेंद्र सिंह मान सेना मेडल के निर्देशन में SM इंटर कॉलेज में एसोसिएट एनसीसी अधिकारी ब्रजेश पुंडीर, SBBA इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी कैप्टन राजेश कुमार के नेतृत्व में कैडेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस के अवसर पर एक जागरूकता संभाषण और जागरूकता रैली निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक से दूर रहकर कागज व कपड़े के थैले का अधिक से अधिक प्रयोग करने हेतु आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग डे, आज 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग डे। आज हम अपने बच्चों को, अपने कैडेट्स को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक का प्रयोग कदापि न करें, घर से निकलें किसी सामान की खरीदारी के लिए कागज का थैला या कपड़े का थैला लेकर ही साथ निकलें। प्लास्टिक का थैला अगर उनको कोई देता भी है तो बिल्कुल इनकार करें। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसका प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग डे के अवसर पर मैं अपने कैडेट्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो समाज में इस जागरूकता का प्रचार प्रसार करने में मदद करें।